अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे, महंत नरेंद्र गिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके नए उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी महाराज की आज मठ बाघम्बरी गद्दी में विधिवत जो घोषणा है वो कर दी गई। उनको एक तरीके से जो ताजपोशी होती है, चादर विधि, वो भी की गई है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए खुद बलवीर गिरी महाराज जी हैं। हम उनसे जानते हैं किस तरीके से आगे जो महंत नरेंद्र गिरी की एक ये गद्दी है उसको आगे ले जाएंगे। महाराज जी, जी मीडिया पर आपका स्वागत है और आपको ढेरों बधाई, आपने आज पदभार ग्रहण किया है महंत का। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव का आशीर्वाद रहा जो आज मैं इस काबिल हूँ कि इस स्थान पर सभी तेरा अखाड़ा होने या इस जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, और मैं यहाँ पूरा प्रयत्नशील रहूँगा। जिस तरीके से महाराज श्री ने इस मठ का विस्तार मंडल किया है, उसी तरह इसको आगे बढ़ाता रहूँ। यहाँ जो साधु संत आगंतुक जो आए, प्रेम से उनको भोजन पानी होता रहे। जिस तरीके से महाराज जी ने यहाँ का माहौल जो बनाया था, मैं उसको आगे बढ़ा सकूं, ये मैं पूरा अपनी तरफ से पूरा प्रयत्नशील रहूंगा हमेशा। जहां मुझे लगेगा कि मैं इन थोड़ा बहुत कुछ त्रुटियां हो रहे, तो मेरे बड़े बुजुर्ग आज जिन्होंने मुझे चादर पोशी की है, जो भी इस तरह के महात्मा गण थे, मैं उनसे बीच बीच में राय भी अवश्य लेते रहूंगा कि क्या इसमें और हो सकता है। बाद बाकी रही बात सनातन धर्म की, तो मैं पिछले 18-20 वर्षों से इसी चोले को धारण किया हुआ हूँ। मैं इस मार्ग में मैं चल रहा हूँ निरंतर। मैं भी एक नागा सन्यासी हूँ और मुझे पता है कि नागा सन्यासी को आचरण किस तरीके से करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से यही रखूँगा जो सनातन धर्म का मान सम्मान उसे आगे बढ़ा सकूँ। किस तरीके से उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा और हमेशा तत्पर रहूँगा इस कार्य में। महाराज जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि महंत जी की आकस्मिक एक ऐसी मौत हुई है जिससे हम सभी दुखी हैं। आपके लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, आपके गुरु रहे हैं महंत जी, तो ऐसे में उसकी भरपाई किस तरीके से करेंगे और एक जो चुनौती है उससे किस तरीके से निपटेंगे? देखिए, ये अपूर्णीय क्षति है, ये अपूर्णीय क्षति है। मेरे गुरुदेव का स्थान कोई ले नहीं सकता है। मेरे जीवन में जो उनका स्थान था, वो वही उस स्थान पर बैठ सकते थे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और उस स्थान को ले सकता है। हाँ, मेरे से बड़े बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद रूप देते हैं या किसी भी रूप को देते हैं, लेकिन जो स्थान गुरुदेव का था उसे कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। मेरी तो स्वयं की गुरु पूर्णिमा चली गई है, सिर्फ मेरे कल्पनाओं में रह गई हूँ। लेकिन उनके आदर्श जो मुझे समझाते थे कि इस तरह से मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए, मैं उस ओर तत्पर रहूँगा और उसको आगे बढ़ाने के पूरे प्रयत्नशील रहूँगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष रहे, महंत नरेंद्र गिरी, उनके उत्तराधिकारी महंत बलवीर गिरी महाराज, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि नरेंद्र गिरी महाराज की जो एक उनकी ख्याति रही है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है सनातन परंपरा से लेकर के अखाड़े और मठ को बढ़ाने का उन्होंने जो काम किया है, आगे भी इसको बढ़ाने का उनका काम किया है, आगे भी इसको बढ़ाने का उनका प्रयास रहेगा और इसके लिए वो हर ज़रूरी प्रयास करेंगे। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा है कि महंत जी की जो जगह है वो अपूर्णीय क्षति है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी तो कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके की कोई ऐसी विपत्ति ना आ सके। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।